वेलकम टू क्यूक आई क्यू स्टडी। आज है 5 जुलाई 2021 और 5 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बतलाएंगे और फिगर के साथ डिस्कशन भी करवाते चलेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि गुलजारी लाल नंदा की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है। ऑप्शन है 4 जुलाई 5 जुलाई 6 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि 4 जुलाई को। देखिए 4 जुलाई को हरेक वर्ष गुलजारी लाल नंदा की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन है मनोज सिन्हा, जेबी पटनायक, पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि पुष्कर सिंह धामी। देखिए ये हैं पुष्कर सिंह धामी, ये हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है यूएस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी कि 4 जुलाई को। देखिए 4 जुलाई को हर एक वर्ष यूएस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन है पुणे, जयपुर, दिल्ली, चेन्नई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि जयपुर में। देखिए जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। ऑप्शन है 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि 4 जुलाई को। देखिएगा 4 जुलाई को हर एक वर्ष स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय कौन हैं। ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि विराट कोहली। देखिए उन्होंने हाल ही में हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में सर्वोच्च रैंकिंग वाली यह भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम प्रसन्नन का जुलाई 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी कि फुटबॉल। देखिए फुटबॉल खेल से यह संबंधित थे एम प्रसन्नन, जिनका हाल ही में जुलाई 2021 में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक कोटा के माध्यम से टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई है। ऑप्शन है शिखा टंडन, आरती साहा, माना पटेल या फिर शिवानी कटारिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि माना पटेल। देखिए माना पटेल जो हैं सो हाल ही में सार्वभौमिक कोटा के माध्यम से टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराकी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपना इस्तीफा किसे सौंपा है। तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो अपना इस्तीफा सौंपता है वह राज्यपाल को सौंपता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है जेबी पटनायक, डीवाई पाटिल, बेबी रानी मौर्य या फिर भारत वीर वांचू। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि बेबी रानी मौर्य। देखिए बेबी रानी मौर्य को हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंपा है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में किस वर्ष मनाया गया था। ऑप्शन है 2001 2003 2005 2007। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि 2005। देखिए 2005 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो यह सर्वप्रथम 2005 ईस्वी में मनाया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह तत्वाधन के द्वारा यह मनाया गया था। तो
तो आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। और इसका आंसर के साथ पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च बॉक्स में आप सर्च भी कर सकते हैं क्विक आईक्यू स्टडी, आपको मिल जाएगा। आपका यहाँ जो भी पीडीएफ मिलेगा सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो जय हिंद सभी साथियों को, फिर मिलते हैं हम आपको अगले करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।